निकल जाए घर से, तेरी कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे रहने की। बार बार रात 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 घर से बाहर रहता है, गायब रहता है। अम्मा अम्मा मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रही है? आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं है, निकल यहाँ से मेरे घर से बाहर निकल। प्लीज अम्मी मेरे साथ ऐसा मत करे ना, प्लीज मुझे ये तो बताएं आप मुझे घर से क्यों बाहर निकाल रही हैं? तेरी वजह से पूरी रात दिन रात मैं परेशान रहती हूं। अम्मा ऐसा तो मत करे ना, मुझे घर से बाहर नहीं निकाले ना। कभी कुछ कभी कुछ, निकल कोई जगह नहीं है तेरी। अम्मा ऐसा मत करे ना, अम्मा लेना, अम्मा प्लीज मुझे मत निकाले ना, अम्मा मुझे मत निकाले। अम्मा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मेरा तो आपके सिवा कोई है भी नहीं। प्लीज मुझे घर में वापस ले ले, कपड़े भी पहनने को नहीं है, मैं कपड़ों में क्या पहनूंगा, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अम्मा तो मत करे ना अम्मा। अब मैं कहाँ जाऊंगा, कपड़े भी फेंक दिए, घर से बाहर निकाल दिए। मेरी अम्मी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगा, किसके घर जाऊंगा? मेरा तो इस दुनिया में गया भी नहीं सिवाय इस गाड़ी के। चलो अपन दोनों ही कहीं चल लेते हैं, अब क्या कर सकता हूँ। आपके भाई को अम्मी ने घर से बाहर निकाल दिया, मगर कोई मसला नहीं, आपके भाई की गाड़ी तो फुल टाइम वड्डी सी है। मतलब अगर आपका भाई इस गाड़ी के अंदर घर बना लेगा तो मतलब नेक्स्ट लेवल वाला सीन हो जाएगा। तुम लोग क्या बोलते हो, इस गाड़ी को घर बना दे क्या? मतलब चेक करो यार कितनी लंबी और कितनी बड़ी है, इसको फुल टाइम घर की तरह बना लेते हैं। यार अब सबसे चैलेंजिंग काम है इसको पूरा घर की तरह बनाए कैसे, गाड़ी को और घर बनाएंगे, आपका भाई बना के दिखाएगा। ये देखो यार यहाँ से अगर देखें तो फुल लंबी सी चलती हुई जा रही है, देखते हैं यार ये गाड़ी घर बन पाती है या नहीं। सोचना पड़ेगा यार ये घर कैसे बनेगा, समझ नहीं आ रहा यार मुझे तो। अबे फाद भाई मेरे को तो नहीं लगता ये घर बन पाएगा। अरे चुप कर, आपका भाई घर बना के दिखाएगा इसको। इस घर को बनाने के लिए कोई मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस घर को बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि एक बेड, ये है हवा वाला बेड। अबे फाद भाई मैं तो कह रहा हूँ LCD भी लगा देते हैं, अंदर गोविंदा की मूवी देखेंगे। बस ठीक हो गया, इस गाड़ी के अंदर हम LCD भी लगाएंगे। यार अभी हमारी गाड़ी कहीं कबाड़ खाने से कम नहीं लग रही, जल्दी से इसका कबाड़ साफ करते हैं और अपनी गाड़ी को घर बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इन दोनों सीटों को हम फुल टाइम नीचे कर देते हैं और ये जो इसका आगे वाला फुंतुड़ू है ना, इसको बाहर निकालना पड़ेगा, ये बड़ी मुश्किलों से निकलता है। निकल गया, एक तो निकल गया। इसका बटन दबाएंगे यहाँ से और ये पूरा का पूरा बाहर आ गया। इसके ऊपर हम लगाएंगे वाला बेड। अब वाला बेड लगा के मतलब मजा ही आ जाएगा यार। इस गाड़ी के अंदर हमें सीटें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बेड चाहिए, क्योंकि हम तो सोते रहते हैं ना। अब जल्दी से इस सीट को हम आगे करते हैं फुल टाइम और पीछे वाली जगह पे हम पूरा का पूरा बेड बिछाओ, फुल टाइम इसमें घर वाली फीलिंग आएगी। भाई ये वाली जो मैया था ना, इसको घर पे लेके जाओ जल्दी से, इसको घर पे रखो। भाई अभी मेन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से हम इसको बेड को इसके अंदर बिछाते हैं। अबे फाद भाई ये देखो, इससे तो हवा भरते हैं। हाँ इससे हवा भरेंगे हम। चलो भाई पूरा बिस्तर बिछाओ इस गाड़ी के अंदर, जब ये फूल जाएगा ना फिर तो नस्ली लगेगा, मतलब इतना मोटा हो जाता है ये फूल के। अबे जल्दी से आजा, हवा भर इसके पुंतलू में डाल और जल्दी से हवा भरते हैं इसके अंदर। ये चेक करो यार कैसा टाइट लग रहा है, जब ये फूलेगा फिर कितना टाइट सीन हो जाएगा ना। जल्दी जल्दी भरो, अरे भरना स्टार्ट हो गया, ये चेक करो। अरे भैंस की टांग, अरे भाई साहब, अरे मोटा होने लग गया भाई साहब, मोटा होने शुरू हो गया भैंस की टांग। मतलब जब ये फुल बड़ा सा हो जाएगा ना, मोटा सा, फिर तो टाइट वाला सीन हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी इसको भरते हैं, फुल मोटा करते हैं और फिर देखते हैं कैसा लगता है। भाई साहब माशाल्लाह से चेक करो, हमारा फुल टाइम बिस्तर तैयार हो चुका है। मतलब अय्याशी वाला सीन है यार, कैसा टॉयलेट है यार, मतलब मैं पूरा ऐसे सीधा होकर लेट सकता हूँ। ये देखो फुल टांगे वांगे सब स्ट्रेट, तो आपके भाई की गाड़ी इतनी लंबी और इतनी बड़ी है यार। मैं तो अपना घर छोड़ने वाला हूँ और यहीं पे आके सोऊंगा, तो आज यार जबरदस्त है ये तो। भाई साहब मतलब फुल टाइम नरम 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 है ना, मजा आ रहा है इसमें लेटने में, बंदा पूरा सुकून से पूरा दिन रात सब गुजारे यहाँ पे लेट के। थोड़ा सा ऐसे उठाओ, ऐसे करके उठाओ और अब डिग्गी बंद कर देते हैं। चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं और डिग्गी बंद करते हैं।
बिस्मिल्लाह। मतलब अंदर बेड है और किसी को पता भी नहीं है। भाई फाइनली हमारा बेड तो तैयार हो चुका है। मतलब तुम लोग पीछे देखो और कितना सेटिस्फेक्शन वाला सीन लग रहा है। फुल चलता हुआ घर, मतलब आराम वाला सीन है। अभी तो इधर फेरी लाइट लगेंगी, एलसीडी लगेगी, फिर तो मजा ही आ जाएगा। मतलब ऐसी पंचायत कोई मारता है मतलब नेक्स्ट लेवल वाली। आपका भाई तो फुल चिल मार रहा है यार इधर। तुम लोग बताओ यार, ऐसी पंचायत कोई करता है क्या? अब तो कर दो यार सब्सक्राइब। अगर अब भी सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, फादबे का दिल टूट जाएगा। ये चेक करो, जूस रखने की भी जगह है। यहाँ आपके भाई ने जूस फसा दी और सुकून से चिल मारो बस। ये वाली फेरी लाइट लगाने वाले, मतलब रात में जो माहौल होगा ना वो यहाँ पर यार नेक्स्ट लेवल माहौल होगा। फाद भाई मजा आ रहा है यार, ऐसा लग रहा है बैंगलोर में बैठा हूँ। बाहर के देखो डाटूरे भी दिख रहे हैं मुझे, और मतलब मजा आ रहा है। अच्छा सा बहुत मजा आ रहा है। जल्दी से लगाना फेरी लाइट, लगा तेरे को काम करने को बोल रहा हूँ। और तुम लोगों को पता है ये फेरी लाइट्स किससे जलाएंगे? वो जो गाड़ी की बैटरी है ना, उससे हम इन फेरी लाइट्स को जलाएंगे। तो सामने रिक्शे भी चल रहे हैं, गाड़ियां भी चल रही हैं, बच्चे भाग रहे हैं, वो देखो चलता हुआ बेड है पूरा। भाई साहब ये देखो, अंकल फुल अय्याशी कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, फुल उछलम उछलम गाड़ी है, उछली उछली। भाई जो हमने फेरी लाइट्स लगाई है ना, उसका हम कनेक्शन देने वाले हैं, और कनेक्शन भी हम देंगे बैटरी से जो कि गाड़ी के अंदर लगी हुई होती है। अब अल्लाह करे चल जाए, पता चले आग ही ना लग जाए। भाई ये जो दो लाइट के कनेक्शन है ना, आप जल्दी से बैटरी में लगाते हैं और चेक करते हैं, बस जल जाएगी। अरे भाई साहब चल गई फाइनली। भाई आपके भाई की गाड़ी हो चुकी है तैयार, फुल टाइम बन चुका है घर। अभी तुम लोग बाहर से चेक करो कि अपना घर लग कैसा है। चेक करो भाई साहब, अंदर पूरा का पूरा घर है, मतलब फुल लग्जरी वाला घर। चलो अब अंदर चल के भी देख लेते हैं कि हमारा घर है कैसा। फाइनली भाई आपका भाई गाड़ी के अंदर आ चुका है, और अब तुम लोग वाइब चेक करो भाई साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब क्या वाइब आ रही है यार। और आपके भाई का व्लॉग चलेगा अब यहाँ पर। फील चेक करो यार, लग रहा है कहीं से ये गाड़ी के अंदर बैठा हूँ यार। तुम लोग बताओ, तुम लोगों देख के ये फील कैसी आ रही है? यहाँ पर फेरी लाइट्स लगी हुई है, ये अपना फुल नरम नरम बेड है, और ये चेक करो भाई साहब अपना फुल टीवी चल रहा है जिसमें आपके भाई का व्लॉग चल रहा है। अब तो कर दो यार सब्सक्राइब, अगर तुमने अब भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कसम से फाद भाई का ना दिल टूट जाएगा। बाहर से अगर कोई देखेगा ना, उसको यकीन नहीं आएगा कि यार ये वाली जगह के अंदर हम फुल माहौल बनाकर बैठे हैं। चेक करो भाई साहब क्या फील आ रही है यार माशाल्लाह से, मतलब नेक्स्ट लेवल वाला सीन है। नहीं है फिर चल आ जा यार, तू भी क्या याद रखेगा, पीछे आ जा देख लो, देख क्या मेरी एलसीडी पे कुछ ना हो जाए। तुमने टीवी भी लगा लिया हमें यहाँ पे? ओपे भाई भाई साहब टीवी भी लगा लिया, खतरनाक सीन है। व्लॉग चलेगा फुल भाई, चलाता हूँ व्लॉग, चलाता हूँ सबर का। चलेगा चलेगा, अबे आवाज क्या आ रही है? अबे भाई खतरनाक सीन है। नहीं है फिर चस आ रही है ना, मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है यार। अच्छा इधर लेट के देखता हूँ अपना व्लॉग। ये चेक कर, चल रहा है गाड़ी में एसी भी चल रहा है, सब कुछ है। घर के अंदर ऐसा लग रहा है घर के अंदर बैठे हैं हम लोग यार। सच्ची बताऊं बहुत मजा आ रहा है, और दिल चाह रहा है काश मैं ना यहीं पर रुक जाऊं। चेक करो फाद भाई की क्रिएटिविटी, फुल टाइम फाद भाई ने घर गाड़ी के अंदर बना दिया भाई साहब। और आपके भाई ने डिग्गी खोल दी इसके, क्या वाइब आ रही है, मतलब मजा आ रहा है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, तुम लोग सोच रहे होगे फाद भाई के घर के अंदर जगह कम है। घर के अंदर जगह कम नहीं होती, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये चेक करो भाई साहब, मतलब चेक करो, 1 2 3 4 और आपका भाई 5, और ये एलसीडी प्राइज एंजॉय करते हैं अपने प्यारे से घर में। भाई साहब मतलब चेक करो भाई साहब, वाइब आ रही है, मतलब खतरनाक वाइब आ रही है भाई साहब। आपके भाई का क्रिकेट का मैच चल रहा है और चिप्स चल रही है, तो भाई साहब फुल एसी चिल हो रहा है और माहौल फुल चिल हुआ हुआ है। अभी इतनी मेहनत से बनाया यार, अब तो कर दो यार सब्सक्राइब, अगर अब भी सब्सक्राइब नहीं करोगे ना फाद भाई का दिल टूट जाएगा कसम से। जल्दी से 5 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो।